दिन में भैया और रात में सैया, जो जो ये जब नौटंकी करके जो राखी बांधने का नाटक कर रहे हैं ये लोग, मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उनको। बोल दिया जिसको बोलना था, जिसको समझने वाले थे वो समझ गए जी। मैंने सुना है अभी के किसी ने मुझ पे 200 करोड़ का केस किया हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। मेरी कीमत 500,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो 500,000 करोड़ का केस करो, करना है तो 200 करोड़ क्या है। 500 करोड़ तो मैंने यूं ही पहन रखे हैं, आप देख सकते हैं पूरे हीरे जवाहरात। देखिए जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, मैं चलती हूँ मेरे पीछे 1,000 कुत्ते भौंकते हैं, मैं किस किस का जवाब दूँ और किस किस को काटूँ। और जिस दिन मैं काटने जाऊँगी उसके इंजेक्शन भी नहीं बने होंगे, उसको बोलिए सिर्फ करेला खा के दिखाए कच्चा, उसके बाद में बात करेंगे। पहले आपके जो जो भी जिनका नाम आपने बोला है मैं इनको जानती नहीं हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंटरव्यूज देखने चाहिए कि मैंने वो जो केस था वो राजेश्वरी मोरे पे किया था, यू नो 100 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजियों से बात करा, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। तो और वो झूठ बोल रहे हैं कि उन पे मैंने केस किया। मैंने वो दूसरी जो लड़की है, दिन में भैया और रात में सैया, जो जो ये जब नौटंकी करके जो राखी बांधने का नाटक कर रहे हैं ये लोग, मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उनको। बोल दिया जिसको बोलना था, जिसको समझने वाले थे वो समझ गए। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उनको मेरे सामने लेकर आइए। देखिए जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, है ना, तो मैं चलती हूँ मेरे पीछे 1,000 कुत्ते भौंकते हैं, मैं किस किस का जवाब दूँ और किस किस को काटूँ ना। और जिस दिन मैं काटने जाऊँगी उसके इंजेक्शन भी नहीं बने होंगे। मैं कल्याण जाने ये भी कहा है कि अगर मेरे ब्रांड को बदनाम किया जाएगा मैं अगले की सुसाइड कर लूँगा, उन्होंने ये भी कहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? उसको बोलिए सिर्फ करेला खा के दिखाए कच्चा, उसके बाद में बात करेंगे। राखी सावंत के पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि राखी सावंत सच्ची है। अब तो मुझे अल्लाह अब्बा पिता खुदा का आशीर्वाद भी मिल चुका है, और आज आप मेरा लुक देख रहे हैं। पहले मुझे लगा था कि मैं अबाया पहनूंगी तो मुझे बॉलीवुड में कोई खड़ा नहीं करेगा, बॉलीवुड में मुझे कोई काम नहीं देगा, और जब मेरे सर पे खुदा का हाथ है, देश की जनता का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, तो चाहे मैं ऊपर से नीचे तक ढकी भी रहूँगी तो मेरी जो रिज़क है, जो मुझे मेरी रोज़ी रोटी है, खुदा मुझे ऐसे भी दे देगा। देखिए बहुत ही मेरे सॉन्ग्स, मेरी वेब सीरीज़, मेरी फिल्में आने वाली है, और किसने कहा कि एक लड़की जब अबाया ऊपर से नीचे तक ढककर आती है, अबाया पहनकर आती है, बॉलीवुड उसे साथ नहीं देता। मैं इस बात को एकदम गलत साबित कर दूंगी। आज आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अरबी लुक, एक इस्लामिक लुक मैं लेकर आई हूं, इसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूं, क्योंकि सब ने कहा है कि मैं उमरा करके आई हूं, तो अब मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो मैं खुदा से मैं दुआ करूंगी कि, और पूरे देश से जितने भी इस्लामिक लोग जो इस्लामिक नहीं हैं उनसे भी दुआ करूंगी कि मुझे ऐसे कपड़ों में ही बॉलीवुड में काम मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मुस्लिम भाई बहनों का और सारे हिंदू भाई बहनों का जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नहीं जी, जैसा देश वैसा भेस होता है, तो वैसे ही अगर ये लुक्स, अभी मैं उमरा से आई हूँ तो डेफिनेटली मैं अपना ये लुक्स बरकरार रखूँगी। वर्ल्ड में जितने भी अबाया ये बनाते हैं, बुरखे अबाया, आप लोग मुझे स्पॉन्सर करें, मैं हर वक्त अलग अलग स्पॉन्सरशिप में अबाया पहनना चाहूँगी, और डायमंड के नेकलेस और ये पर्स और जूते भी दे सकते हैं। शुक्रिया। मेरे फेवरेट क्रिकेटर भज्जी, जो हरभजन जी, जो इन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए, और हम जैसे जो हम इतनी मेहनत करते हैं सालों साल, और उन्होंने उनके पवित्र हाथों से, उन्होंने हमें जिन हाथों से वो इंडिया को जिताते आए हैं, चौके छक्के लगाते आए हैं, और
क्या बोलते हैं बॉलिंग खतरनाक करते आए हैं उनकी जो मैदान में, उन्हीं हाथों से आज मैंने ये अवार्ड लिया है। बहुत ही ग्रेट मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ, पावरफुल महसूस कर रही हूँ कि वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि थैंक यू भज्जी जी कि आप अपना अभी हालांकि इतनी बड़ी मैच चलने वाली है यू नो श्रीलंका में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो आप सोचिए कि अभी उनकी फ्लाइट भी है, वो जा भी रहे हैं मैच खेलने, और अभी आप सोच सकते हैं वो यहाँ पे भी, एक कदम उनका इंडिया में है और एक दूसरा कदम अभी वो श्रीलंका में भी रखने वाले हैं। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है यहाँ पर, आर्टिस्ट है, स्टार्स है, सेलिब्रिटीज़ है, उन सबको अवार्ड दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बच्ची साहब आपकी। अबे पीछे चलो 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 आदमी लोग दूर रहो। अरे आराम आराम से पीछे चल। हमें दुबई से राखी जी सामने रखी सामने राखी जी। अच्छा मैं सऊदी की लग रही हूँ क्या? नहीं दुबई के लग रहे हो? हाँ शेखा लग रही है। चलो 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 चलते रहो चलते रहो चलते अरे क्या कर रहे राजा ने कल देखा था। चलिए एक सोलो करते हैं। अरे भाई नाउ जी नाउ रिचर्ड क्या रिचर्ड रिचर्ड सोलो सोलो अभी सोलो 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 राखी जी आप हैं दूर जाना था इधर हाथ में राखी जी सामने राखी जी मैम मैम सेंटर धीरे धीरे ऊपर ले रहे हैं राखी जी सर सर एक मिनट चलो सर 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 एक मिनट चलो एक मिनट राखी समो राखी राखी के लिए भर्ती है सर मैम राखी जी वो पारस भाई इधर बोलो राखी जी राखी जी पारस भाई इधर बोलो सेंटर में एक बार राखी जी सेंटर किसने कहा कि औरत अबाया में खूबसूरत नहीं लगती स्पेशल बॉलीवुड में फॉलो मी।